हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, तमाम तरह के इंटरव्यूज होते हैं, घर पर बैठ के इंटरव्यू, दफ्तर में बैठ के इंटरव्यू, हवाई जहाज का इंटरव्यू, अब ये गाड़ी का इंटरव्यू है और बात होगी देश की तरक्की को लेकर, देश के विकास को लेकर। किस तरह से आपकी केंद्र की सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है? देखिए, डबल इंजन जब सरकार है और विश्व के सबसे विजनरी लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, तो सभी क्षेत्रों में सफलता के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अगर मैं सबसे निचले स्तर की बात करूं, गरीब कल्याण की, तो गरीबों के लिए जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ है, 9 साल में हुआ है, कांग्रेस की सरकारों ने मिलकर के 60 साल में उसका दशांश भी नहीं किया। यूपी की बात जब जोड़ते हैं आप, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में हमने मोदी मॉडल लागू किया है, गुजरात मॉडल लागू किया है, वह विकास का नया स्वरूप धारण करके जनता के सामने प्रस्तुत करने में हमें सफलता मिली। इसलिए विजय दर विजय प्राप्त कर रहे हैं। 2014, 2017, 2019, 2022, और मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, सेवा के बल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्वास का दूसरा नाम बन गया है। माननीय मोदी जी के प्रति भरोसे के कारण 2024 में देश के आंकड़े की दृष्टि से अगर कहें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी 303 का आंकड़ा पार करेगी। और यूपी की राजनीति करता हूं, इसलिए यूपी के बारे में अगर पूछें आप, तो मुझे कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है कि हम 80 में से सभी 80 सीटें इस बार, जैसे राजस्थान 25 में से 25 सीटें जीत करके देता है, जैसे गुजरात 26 की 26 सीटें देने का काम करता है, जैसे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, 100% सीटें जीत देने का काम करता है, वैसे ही मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग भी यूपी में वह करके दिखाएंगे जो 100% मोदी जी के लिए अपने राज्य की लोकसभा सीटें जीत करके देने का काम करते हैं। सर, प्रधानमंत्री की लगातार वैश्विक जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, कई सारे मंचों पर देखने को मिला, कई सारे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, गले लगाते हैं। कुछ दिन पहले विदेश दौरे पर गए तो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष होते प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए नजर आए। लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, अब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, 8 से 10 अगस्त सितंबर के बीच में तमाम देशों के लोग यहां रहेंगे, इस पूरी दिल्ली को सजा दिया गया है, तैयार कर दिया गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं यह मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये विजनरी नेतृत्व है जिसके परिणाम स्वरूप आज G20 की हमें अध्यक्षता प्राप्त हुई है। दुनिया के किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पांव कभी नहीं छुए होंगे। यह माननीय मोदी जी के प्रति जो दुनिया के तमाम नेताओं की श्रद्धा है, उनके काम करने की जो क्षमता है और उनका जो विजन है, वह सब कुछ लोग देख करके अभिभूत हो रहे हैं। और G20 की बैठकें बहुत सारे देशों में हुई होंगी, उसका मुझे इतिहास नहीं मालूम है, लेकिन हिंदुस्तान को जब माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत की अध्यक्षता में यहां पर G20 की बैठक हुई, तो देश के 60 से अधिक बड़े शहर, लगभग सभी प्रमुख राज्य G20 की मेजबानी करने का, देश को मेजबानी मिली है, लेकिन सभी राज्यों की सहभागिता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एक मंत्र देने का काम किया है, वो मोदी जी के नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। अब G20 के समापन की ओर जब हम जा रहे हैं, तो दुनिया के कितने देशों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होने जा रहा है, जिसके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, देश के लिए गौरव का क्षण है। और इस प्रकार के गौरव के लिए मैं सोचा करता हूँ कभी कभी, काश मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी 20 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो मेरा देश आज कहाँ से कहाँ होता। लेकिन उन्होंने 9 साल में ही 10वीं अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया, टॉप 3 की गारंटी दे देने का काम किया कि टॉप 3 में हम अगली बार यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था को लाने का काम करेंगे।
और यह विश्वास अपने काम के दम पर, लोगों के विश्वास के दम पर, जनता के आशीर्वाद के दम पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव होता जा रहा है।